अभी ऑफ शूट है और ये वी हैव द बेस्ट बेस्ट सैक्सोफोन प्लेयर नाउ इन आवर कंट्री. तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है ये जहां मिल गया किथे जावां आवे ना किते मैनू चैन तेरे बिना
रोगी होए प्यासे मैं तेरे बिना रोगी होए प्यासे मैं। इसमें मेडले में कौन आता और कुछ गाना गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो संभालना मुश्किल हो गया। ला 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 गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी है हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो संभलना मुश्किल हो गया। मैं मुद्दा ये सुना देते जैसे को तरह दरबारी बजा ना सुखदेव जी को फिर शुरू करते हैं। रेडी भी हो गया अपना काम दरबारी बजा पांच बजे भाई मैं शेयर सुनावा एक। हां जी ये सारा कुछ तो रिकॉर्ड होना चाहिए। रिकॉर्ड तो हो ही रहा है पर वो कितनी बार मैंने वैसे तो सुनाया है वो ये विच तो कर लेंगे मैं सुनाना तुम्हें ऐसे ही ओदे विच जाना नहीं है मैं ऐसे ही मैं तो थोड़ी ना रुतरी करनी उनके साथ कभी जिंदगी में नहीं पर जो हो रहा है वो अच्छा था। हाँ लगा देना चाहिए कौन मुद्दता ना हो या हाय बेदर्दा वे असी बैठे अखियां के मुद्दता हो या बेदर्दा वैसी बैठियां अखियां लाके तेरा प्यार नी साड़ी किस्मत विच नहीं वे असी वेख लिया अजमा के कदियां प्यारिया बिस्मिल्ला कदियां प्यार बिस्मिल्ला साडे सामने नजरा मिला के बो यारी दोस्ती दा मजा तत्यूंदा वे साडे वांग कर बार उजाड़ के बो सुनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमां नी अल्लाह कर मैं मर जावां नी रब कर मैं मर जावां तेरी जे तारीफ तनु झूठ मैं सुनावां नी रब कर मैं मर शुक्रिया थैंक यू। चलिए अब काम पे चलते हैं और काम पे चलते हैं। मेरी चैनल के आगे ये दरख्वास्त है कि ये रिलीज जरूर करिए। नहीं नहीं पता क्यों ये एक्चुअली ढंग से गाता है और मैं आपको एक बात बता दूं ये उस जॉनर के हम लोग हैं जो ये मशीनों पे डिपेंड नहीं है। वी आर नॉट एट ऑल डिपेंड ऑन दिस ऑटो ट्यूनर्स एंड मशीन वी आर वेरी ओरिजिनल। जितनी शिद्दत के साथ इन्होंने कहा है कि सोनिए जे दगा तेरे नाल कमावा दब करे मैं मर जावा मैं तो मुकर जावा सुन सुन सोनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमावा
रब कर मैं मुकर जावा He's just kidding. कब आओगे? ओए माइक 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 बाजी कब आओगे जिस्म से जान जुदा होगी क्या कब आओगे सुनिए जे तेरे नाल तगा मैं कमावा हो रब कर मैं मर जावा कब आओगे हो कब आओगे हो जिस्म से जान जुदा होगी क्या कब आओगे सोड़िए जे तेरे नाल दगा मैं कमावा सोड़िए जे तेरे नाल दगा मैं कमावा हो रब करे मैं मर वाह ब्यूटीफुल बाजी वो तुमने तार छेड़ दिए और संगीत ऐसी चीज है आए हाय 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 इसका बड़ा ही मजा है भाई मैं सोचता हूँ हम आपको सुनते तो इतना मजा आता है जब आप रियाज करते होगे आपको कितना मजा आता होगा ना आप अपने लिए सुखविंदर सिंह गा रहा है मैंने नहीं कभी कभी बहुत हम लोग जिंदगी में कई ऐसे कार्य करते जिनके प्रति हम बड़ा सिंसियर होते हैं पर वो कभी कभी ना बड़ा तमाशा कर देते वो सिंसियरिटी भी मैंने कहा नहीं घर में बैठ के मैं नहीं करूँगा रियाज मैं बाहर जाऊँगा गार्डन में तो मेरे को किसी मेरे बहुत ही चहेते ने बताया कहते मत जा मैं क्यों खुली हवा फूल बाग बगीचा उसमें जब स्वर लगेगा नीचे कहते वो ठीक है कहता है मैं भी किसी ज़माने में ऐसा सोचता था एक बड़े गुरु समान थे तो मैंने कहा क्या कहते ये तू जो कर रहा है ये बहुत इंटरटेनिंग है मैं करता था नाभि से आवाज़ निकालने का तो वो हम आंख बंद कर लेते थे तो पेड़ पे सांप लटका हुआ था जब खोला तो वो मेरे सामने उन्होंने आँख खोली उन्होंने जब आँख खोली ना ऐसा उन्होंने मेडिटेट किया हाफ एन आवर के बाद देन ऑटोमेटिकली इन बॉडी को इन्फॉर्मेशन मिलती कि आप आंखें खोलो अब उन वो ऐसे हैं अब उनको ये नहीं कि कंटिन्यू करूँ कि क्या करूँ सामने रियाज एक बहुत अच्छी चीज़ है जब हमको एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने कहाँ से सीखा मैं कही सीखा सीख रहे हैं भाई हम अक्समात ये जवाब देते कि हमने वहाँ से सीखा सीखना एक इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है मेरे को तो ऐसा लगता है कि जैसे जम के प्यास लगी हो और ठंडा ठंडा पानी आए हाय मिलता है सीखना ऐसा ही मेरे लिए है क्योंकि बट हमारी लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग होनी चाहिए रियाज करना सीखना बहुत ज़रूरी है मुझे तो अच्छा लगता है मैं कि पाजी आपसे हमने बहुत सीखा है पाजी क्या बात है इसमें कोई शक नहीं है बहुत बहुत आपको एडमायर करते हैं लोग पाजी बहुत फॉलो करते हैं